श्रीलंका के खिलाफ वनडे और टेस्ट सीरीज के लिए हो गया है टीम इंडिया का ऐलान और अब हिटमैन रोहित शर्मा का भारतीय क्रिकेट पर चलेगा पूरी तरह से राज। रविचंद्रन अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर की इंजरी को है लेकर थोड़ी टेंशन, लेकिन आखिर टीम में वापस कैसे आ गए भैया संजू सैमसन। What's going on everyone, welcome back to my YouTube channel। और इस वक्त की भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है रोहित शर्मा को टेस्ट की कप्तानी मिलना और उनके साथ साथ चेतेश्वर पुजारा अजिंक्य रहाणे का टेस्ट टीम से ड्रॉप हो जाना, ईशांत शर्मा और विद्यमान साहा के करियर पर जबरदस्ती फुल स्टॉप लगा देना। लेकिन मेरे लिए जो पर्सनली सबसे बड़ी खबर है वो है संजू सैमसन की इंडिया की T20 टीम में वापसी। ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है कंसिडरिंग हमें कोई इतनी बड़ी टेस्ट सीरीज अभी खेलनी नहीं है। टेस्ट में हम फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं लेकिन हमारे पास वनडे और T20 क्रिकेट में 2 साल के अंदर 2 बड़े असाइनमेंट है, एक है वर्ल्ड T20 और एक है अपना 50 ओवर का वर्ल्ड कप। तो इस वीडियो में हम ये डिटेल में बात करेंगे कि संजू सैमसन कैसे टीम इंडिया में वापस आ गए। अब तक तो आपको भारतीय टीम पता ही चल गई होगी, लेकिन अगर नहीं पता चली तो मैं आपको बताता हूं। श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया के T20 स्क्वाड की अगर बात की जाए तो इसमें रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, दीपक हुड्डा, दीपक चहर, हर्षल पटेल, रविंद्र जाडेजा, ईशान किशन और संजू सैमसन है। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह इज बैक, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव और आवेश खान है। वहीं टेस्ट टीम की अगर बात की जाए तो रोहित शर्मा कैप्टन, विराट कोहली, मयंक अग्रवाल, यंग पंचाल इज द बैकअप ओपनर, श्रेयस अय्यर, हनुमा विहारी, शुभमन गिल। ऑलराउंडर्स में रविंद्र जाडेजा, रविचंद्रन अश्विन, ऋषभ पंत, केएस भारत एज विकेट कीपर्स, उसके बाद जसप्रीत बुमराह, जयंत यादव, कुलदीप यादव, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव और सौरभ कुमार हैं। जैसे कि आपने T20 सीरीज में देखा कि ऋषभ पंत और विराट कोहली को आराम दिया गया है फ्रॉम द T20 सीरीज और विराट कोहली अपने 100th टेस्ट मैच के लिए टेस्ट टीम में वापस आएंगे जहां रोहित शर्मा की कप्तानी में वो खेलेंगे और वहां पर पुजारा, रहाणे, ईशांत और साहा 4 बड़े खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दिया गया है जिसमें से ईशांत शर्मा और विद्यमान साहा को ये बोला गया है। ये बात काफी लंबे समय से चल रही थी कि अब टीम इंडिया फ्यूचर की तरफ ध्यान देने वाला है और इन दोनों से कहा जाएगा आपकी सेवा के लिए धन्यवाद, आपकी यात्रा शुभ हो, लेकिन अब आपको अपनी गाड़ी बदलनी पड़ेगी। उसके अलावा पुजारा और रहाणे को बिकॉज ऑफ देयर फॉर्म ड्रॉप कर दिया गया है, यानी कि श्रेयस अय्यर, हनुमा विहारी और शुभमन गिल के लिए मिडिल ऑर्डर में जगह बन गई है। लेकिन T20 क्रिकेट की तरफ अगर वापस आए तो वहां पर संजू सैमसन का सिलेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको KL राहुल भी इस टीम में नहीं है, उनके भी इंजरी है और साथ में वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल भी नहीं है, रविंद्र जाडेजा इज बैक इन द टीम, लेकिन संजू सैमसन को बतौर बैकअप विकेट कीपर शामिल किया गया है और मेरे हिसाब से दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। संजू सैमसन के पास वो टेक्निक है, संजू सैमसन के पास वो दम है कि वो टॉप 6 में कहीं भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। डाउन द ग्राउंड हिटिंग करने की कैपेबिलिटी जिस प्लेयर में भी होगी, जैसे KL राहुल में है, जैसे रोहित शर्मा में है, जैसे जॉर्ज बटलर में है, वो आपके लिमिटेड ओवर्स में किसी भी नंबर पर बैटिंग कर सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, चाहे आपके जॉनी बेयरस्टो हो, चाहे आपके बेन स्टोक्स हो, चाहे आपके जॉर्ज बटलर हो, KL राहुल हो, और उसी लिस्ट में संजू सैमसन का भी नाम आता है। कॉम्पैक्ट टेक्निक है, बेहतरीन हिटिंग कैपेबिलिटीज है, 360 डिग्री प्लेयर है और उनका स्ट्राइक रेट हमेशा ज्यादा रहता है, वो गेंदे खाते नहीं है, वो उस इंटेंट से बहुत पहले से खेलते आ रहे हैं जिस इंटेंट की अब बात होती है, उसी इंटेंट की वजह से उनके हर मैच में रन नहीं बनेंगे, आपने इसी वजह से उनको ड्रॉप कर दिया। लेकिन अब आपको पता चला है कि संजू सैमसन में कितना दम है और आप नंबर्स के पीछे नहीं T20 में भाग रहे हैं, आप पोटेंशियल और इंपैक्ट के पीछे भाग रहे हैं एंड दैट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। आपको एक मजेदार स्टैट्स बताता हूं, पिछले 3 IPL में यानी कि 2019, 2020 और 2021 में किसी भी बैट्समैन ने जिसने 700 या उससे ज्यादा बॉलें खेली हो, सिर्फ संजू सैमसन ही एक ऐसे प्लेयर है जिनका स्ट्राइक रेट 140 के ऊपर का है। लास्ट 3 IPL सीजन में 700 से ज्यादा बॉल्स खेलने वालों में संजू सैमसन का स्ट्राइक रेट 140 से ऊपर का है और एवरेज 30+ है, यानी कि हर मैच में 30 से ज्यादा रन वो बनाते हैं। उनके बाद जॉनी बेयरस्टो, एबी डिविलियर्स और मयंक
मयंक अग्रवाल ही उनके साथ उस लिस्ट में है और सूर्य कुमार यादव बहुत थोड़े से मिस करते हैं, ही इज एट 139 स्ट्राइक रेट। तो ये बताता है कि संजू सैमसन इंपैक्टफुल इनिंग्स खेलते हैं, ताबड़तोड़ इनिंग्स खेलते हैं, बॉल्स वेस्ट नहीं करते। आपके टॉप चार में किसी का भी स्ट्राइक रेट 140 का नहीं है बारिंग संजू सैमसन, और मेरा मानना है टॉप चार में नहीं, आप उनको नीचे के लिए तैयार करिए। राहुल द्रविड़ के पसंदीदा है संजू सैमसन ही रेट, संजू सैमसन वेरी हाईली, संजू सैमसन लव्स राहुल द्रविड़, ही अडोर्स राहुल द्रविड़ और ही कैन थ्राइव अंडर राहुल द्रविड़। तो मेरे हिसाब से ये शानदार मूव है। अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को साइडलाइंस करना एक्सपेक्टेड था, ईशान शर्मा और रिद्धिमान साहा को केएस भरत और मोहम्मद सिराज आवेश खान, इन तरीके के बॉलर्स की वजह से साइडलाइन किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल इस टीम का हिस्सा नहीं है, केएल राहुल पहले मैच के लिए फिलहाल अवेलेबल नहीं है, क्या उनको सेकंड मैच के लिए जोड़ा जाएगा, आई डोंट नो, ऐसा लगता तो नहीं। रविचंद्रन अश्विन की फिटनेस पर अभी सवालिया निशान लगा हुआ है, लेकिन रविंद्र जाडेजा वापस आ गए हैं। क्या आप टेस्ट टीम के एनालिसिस पर और डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं, भारत के टेस्ट क्रिकेट के भविष्य पर, रोहित की कप्तानी किस तरीके से होगी, क्या उनके लिए चैलेंजेस होंगे वगैरह वगैरह, फटाफट से कॉमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और संजू सैमसन को टीम इंडिया में वापस देखकर आप कितने एक्साइटेड हैं और किस नंबर पर उनको बैटिंग करते देखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, मेरा काम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह बने रहिए स्पोर्ट्स इनकाउंटर के साथ।